दोपहर के खाने के बाद राखी थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में लेट गई थी। जब वह 4 बजे उठकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी काव्या ट्यूशन चली गई थी। राखी सोचने लगी कि आज डिनर में क्या बनाऊं। वो रसोई में गई, उसने फ्रिज खोलकर देखा तो सब्जियां खत्म हो चुकी थी। उसे याद आया कि सुबह ही उसने भिंडी की सब्जी बनाई थी और उसके बाद तो फ्रिज में कोई सब्जी ही नहीं बची थी। उसने सोचा कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं बाजार जाकर सब्जियां ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे में गई और उसने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए। फिर वो अपना पर्स उठाकर बाहर आई। उसने अपने ससुर जी के कमरे में झांक कर देखा ताकि वो बता सके कि वो बाजार जा रही है, लेकिन उसके ससुर जी कमरे में नहीं थे। इसलिए उसने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और दरवाजा बंद करके बाजार चली गई। उसके ससुर जी के पास घर की दूसरी चाबी थी, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। जब घंटे भर के बाद राखी बाजार से फल और सब्जियां खरीद कर ले आई तो उसने देखा कि उसके ससुर राम प्रसाद जी हॉल में सोफे पर तमतमाए हुए से बैठे थे। राखी को देखते ही वो चिल्लाते हुए बोले, तुम इतनी देर तक कहाँ घूम रही थी और किससे पूछकर तुम बाजार गई? यह सुनकर राखी सकपका गई। वो कहने लगी, इसमें पूछना क्या है पिताजी, घर में फल और सब्जियां नहीं थी तो मैं बाजार जाकर ले आई। हाँ, आप घर पर नहीं थे तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं। बस राम प्रसाद जी गुस्से में बोले, मैं जरा पार्क में टहलने चला गया था तो तुम्हारे तो पर ही निकल आए, और तुम स्कूटी लेकर बाजार क्यों गई थी? अरे, हमारे घर की बहुएं इतनी ऊंची उड़ान नहीं भरती हैं। कल को इस शहर में रहने वाले हमारे रिश्तेदार तुम्हें देखेंगे तो क्या कहेंगे? और यह क्या तुम जींस पहनकर घर से बाहर क्यों चली गई थी? घर में तो तुम सलवार सूट ही पहनती हो ना। राखी हैरान थी। उसने धीरे से कहा, पापा जी, मैं कुछ भी पहनूं इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो पहनने में आराम महसूस होता है मैं पहन लेती हूँ। अभी आपको यहाँ आए हुए केवल 1 सप्ताह ही हुए हैं, इसलिए शायद आपको पता नहीं है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। राखी जानती थी कि अगर वह बात को बढ़ाएगी तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए वह वहां से रसोई में चली जाना चाहती थी। लेकिन राम प्रसाद जी को तो बात बिगाड़नी ही थी। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें चाय की पड़ी है? देखो बहू, एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं यहाँ नहीं था तो अलग बात थी, लेकिन अब तुम्हें मेरे अनुसार ही चलना होगा। सबसे पहले तो तुम यह जींस पहनना बंद करो, उसके बाद स्कूटी चलाना बंद करो, अकेले बाजार जाना छोड़ दो। जो भी सामान लाना होगा वह सुमित लेकर आ जाएगा, आखिर वह भी तो ऑफिस से घर आता ही है, रास्ते में ही तो बाजार पड़ता है, वह सब कुछ लेते हुए आ जाया करेगा। अभी राम प्रसाद जी उसे कुछ और सुनाते उससे पहले ही राखी की बेटी काव्या ट्यूशन से घर आ गई। काव्या को देखकर राम प्रसाद जी चुप हो गए। काव्या कहने लगी, दादाजी, मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, आप खाओगे क्या? राम प्रसाद जी पोती को देखकर खुश हो गए और उसके साथ बैठकर बातें करने लगे। इधर राखी सारा सामान उठाकर रसोई में चली गई। आज उसे ससुर जी की बातों से बहुत बुरा लगा था। उसके ससुर जी गांव में अकेले ही रहते थे, अब उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी तो इन लोगों ने उन्हें शहर बुला लिया था। राखी ने भी सोचा था कि वह बुढ़ापे में अपने ससुर जी की सेवा कर लेगी, इसलिए उसने भी खुशी खुशी अपने ससुर जी का स्वागत किया था। अभी तो राम प्रसाद जी को शहर आए हुए 1 सप्ताह ही हुए थे कि उनकी रोक टोक शुरू हो गई थी। राखी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वह कोई गलत काम तो कर नहीं रही थी। शाम को जब सुमित घर आया और उसने राखी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछ बैठा, क्या हुआ राखी, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? राखी ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे खाना बनाने दो। सुमित ने भी सोचा कि रात को एकांत में वह आराम से बैठकर अपनी पत्नी की परेशानी सुनेगा, इसलिए वह हॉल में आकर न्यूज देखने लगा। काव्या अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। सुमित को वहां पर बैठे हुए देखकर राम प्रसाद जी उसके पास आ गए और गुस्से में कहने लगे, सुमित, मुझे तुमसे बहू के बारे में कुछ बात करनी है। सुमित ने टीवी बंद कर दिया और हैरानी से पिता के चेहरे की ओर देखने लगा, क्योंकि वह काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। इधर राखी भी उदास थी, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। उसने कहा, क्या हुआ पापा, आप इतने नाराज से क्यों हैं? राम प्रसाद जी कहने लगे, देख बेटा, मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते हैं। हमारे घर की औरतें इस तरह से आजाद पंछी की तरह नहीं उड़ती हैं। औरतें तो खूंटे से बंधी हुई ही अच्छी लगती हैं। आज मैंने देखा कि बहू जींस पहनकर स्कूटी चलाकर बाजार गई और सब्जियां खरीद कर ले आई। उसे तुमने इतनी आजादी क्यों दे रखी है? कल को कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। घर की औरतें घर में ही अच्छी लगती हैं। तुम बाहर का सारा काम खुद निपटाया करो और बहू से चुपचाप घर पर बैठने के लिए कह दो। और तुम्हें पता है, कल तो मैंने देखा कि बहू छत पर कपड़े सुखाते हुए पड़ोस के शर्मा जी के साथ भी हंस हंस कर बातें कर रही थी। तुमने उसे जो यह आजादी दे रखी है ना, यह तुम पर ही भारी पड़ जाएगी। राम प्रसाद जी अपने बेटे को भड़काने की कोशिश करते हुए बोले। तभी राखी रसोई से बाहर निकल रही थी।
उसने भी अपने ससुर जी की बात सुनी। वह तो सन नहीं रह गई। वह तो गांव से आए हुए ससुर जी की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके ससुर जी तो उसके पति को भड़काने पर तुले हुए थे। तभी राखी ने सुना, उसके पति ने कहा, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज ही उस पर हजार तरह की बंदिशें लगाकर उसका इस घर में जीना मुहाल कर देता हूँ, जैसे कि आपने माँ के साथ किया था। यह सुनते ही राम प्रसाद जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहा है तू? तू कहना क्या चाहता है? क्या तेरी माँ को मैंने कोई खुशी नहीं दी है? सुमित भी गुस्से में सोफे से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। माँ हमेशा छुप छुप कर रोती थी, लेकिन मैंने माँ के आंसू देखे हैं। आपने कभी भी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपने कभी माँ को वह इज्जत नहीं दी जिसकी वह हकदार थी। आप छोटी छोटी बातों में चिढ़कर माँ को डांटते फटकारते थे, हर पल उनको अपमानित करते रहते थे, उन्हें अकेले कभी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। आप कभी भी कहीं भी घूमने जाते थे तो भी उन्हें घर पर अकेले छोड़कर जाते थे। दादी के भड़काने पर आप माँ पर हाथ भी उठा दिया करते थे। आपने आस पड़ोस के लोगों से उनकी बातचीत बंद करवा रखी थी। तब मैं छोटा था, आपकी बातों का विरोध नहीं कर पाया, लेकिन मेरे कॉलेज जाने से पहले ही माँ आपके अत्याचारों से मुक्त होकर दुनिया से चली गई। तब से ही मेरे मन पर आपकी एक नकारात्मक छवि बन गई थी। मैं भी कभी आपका दिल से सम्मान नहीं कर पाया और जल्द से जल्द पढ़ाई करके मैं बाहर नौकरी करने के लिए निकल गया। फिर मेरी शादी हुई और तभी मैंने निर्णय ले लिया था कि जो कुछ माँ ने सहा है वह मेरी पत्नी नहीं सहेगी। मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ, उसकी भावनाओं को समझता हूँ। मैंने उसे पूरी स्वतंत्रता दी है कि वह जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकती है। वह भी इस आज़ादी का सम्मान करती है और अपनी मर्यादा को पहचानती है। वह पढ़ी लिखी समझदार औरत है, अपनी घर गृहस्थी कैसे चलानी है उसे अच्छे से पता है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। वह बाहर के कामों में मेरी मदद करती है तो मैं भी घर पर होता हूँ तो घर के कामों में उसकी मदद करता हूँ। हम एक दूसरे के काम का सम्मान करते हैं और सबसे बड़ी बात कि मैं किसी के भड़काने में आकर अपनी पत्नी से अपना रिश्ता खराब नहीं करूंगा। और जिस बहू के खिलाफ आप मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना, आज उसी की वजह से आप यहाँ इस घर में हैं। आपने माँ के साथ जो भी किया उसके बाद मुझे आपसे ज्यादा लगाव महसूस नहीं होता था। तब राखी ने ही मुझे समझाया कि आपको बुढ़ापे में अकेले छोड़ना सही नहीं है और उसी के कहने पर मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। वैसे भी मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ ना, तो आपकी देखभाल तो वही करती है और जो बहू आपकी सेवा और देखभाल करती है उसी के खिलाफ बेटे को भड़काते हुए आपको शर्म नहीं आती? और एक बात, मेरी राखी कोई जानवर नहीं है जो मैं उसे खूंटे में बांध कर रखूंगा। इसलिए आज के बाद से न तो आप मेरी पत्नी को कुछ कहेंगे और न मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। राम प्रसाद जी सन्न से रह गए थे। इधर राखी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। आज कहीं ना कहीं राम प्रसाद जी को उनके बेटे ने सच्चाई का आईना दिखा दिया था और वह आत्म मंथन करते हुए गहन पश्चाताप में डूब गए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कितना गलत किया। लेकिन आज उनके हाथों में कुछ नहीं था, उनकी पत्नी तो कब का इस संसार से जा चुकी थी। दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर बच्चे देखभाल और सेवा करते हैं तो उनकी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए और उन पर गलत पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि पति हो या पत्नी, अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। किसी और के भड़काने में आकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।